मैं आई हूँ लेकवुड रिसॉर्ट एट टपोला। और कल हम ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गए थे और अंधेरा भी हो चुका था, तो यहाँ का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का नज़ारा। क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और ये जो रिसॉर्ट है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ की सैर कराती हूँ मैं आप सभी को। आप जब भी लेकवुड रिसॉर्ट आएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। इनकी हॉस्पिटैलिटी लाजवाब है, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच, मतलब जो खातिरदारी इन्होंने की है ना, ट्रस्ट मी, उसके लिए तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा यही कि अगर आपके जैसे गेस्ट आएंगे खातिरदारी करेंगे जैसे अभी आपने कहा है, और लेकवुड जैसे रिसोर्ट में आप आते हो तो पूरा पूरा ले सकते हो। जैसे कि विंटर में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकवुड जैसी जगह जो है वो स्थित है कोयना डैम वाटर के बाजू में है, क्योंकि उसको मिनी कश्मीर कहा जाता है। आपको फील थोड़ा मई सीज़न में नहीं देगा, लेकिन बारिश के टाइम पे और थोड़ा सा दिवाली एंड क्रिसमस के टाइम पे थोड़ा सा ठंड रहेगी और मज़ा आएगा। और जो कि हमारा थीम है वुडन लग्जरी स्कॉटेज, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको कश्मीर साइड में मिले, लेकिन महाबलेश्वर और पंचगनी के साइड में कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बारिश होती तो वुड को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक अलग ही मज़ा आएगा वुड में रहने का। हम RCC के घर में रहते हैं तो उसका मज़ा अलग होता है और इसका मज़ा अलग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप साल दर साल यहाँ पे आए और ऐसे मज़ा करें, है ना। आप अपने दोस्तों को, आप बाकी फैमिली मेम्बर्स को लेके आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। धूप है और यहाँ पर बाकी सारे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो अब मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, बाय। तो अभी प्रकाश जी हमें हमारा रूम दिखाने लेके जा रहे हैं। Beautiful, isn't it? ये व्यू है और यहाँ पर रूम्स है मॉम डैड का और हमारा। So let's go. Room number 018 मेरा बर्थडे भी है, और इस रूम का नाम दिया गया है मंदाकिनी। यहाँ पर सारे रूम्स को ना रिवर का नाम दिया गया है। So you can see. वुड का बनाया गया है इंटीरियर, काफ़ी सुंदर है और सारे अमेनिटीज है रूम के अंदर भी। AC है, सोफा है, TV है, यू कैन हैव योर ओन टी, कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक। और यहाँ पर वॉशरूम भी है, दैट्स मिरर, कबर्ड भी है यहाँ पे, अपना के सामान भी यहाँ पर डंप कर सकते हैं। एंड वॉशरूम्स आल्सो वेरी क्लीन, आई मीन वन रूम फॉर टू पीपल इट्स वर्थ। और यहाँ से आप जब बाहर आएंगे अपने रूम से और ये व्यू देखेंगे, आपको यहाँ से वापस घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। सी नहीं, रिवर। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू प्रकाश जी।
फूड रिसोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो रूम्स है वो लेक व्यू के साथ अवेलेबल है, और ये जो व्यू है ना वो काफ़ी ब्रेथ टेकिंग है, बिकॉज सो रिफ्रेशिंग टू जस्ट वॉक आउट ऑफ द रूम एंड वॉच दिस ब्यूटिफुल ब्यूटी. आई मीन वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर क्लाइमेट भी काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी अच्छी ब्रीज आ रही है, ठंडी ठंडी हवा. और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिवर है ये, कितना बड़ा रिवर, और सामने माउंटेन्स है. मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. लेक फूड रिसोर्ट का खाना भी काफ़ी डिलीशियस है. हमने ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन सुनका, भाकरी, ठेजा, भरलेली वांगे, ये सब ऑर्डर किया था और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. वक्त जो मौसम रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो यू कैन जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड जस्ट एंजॉय दिस वेदर एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. हमने दिन भर में काफ़ी रेस्ट कर ली थी, इसलिए अंधेरा होने से पहले हम एक ख़ास जगह पहुँचे. हमें बहुत रेस्ट की होटल में, और हम अब थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं. पता नहीं किस टाइप के वाटर स्पोर्ट्स है यहाँ पर, बट बिकॉज रिवर है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा इंटरेस्टिंग. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर. देखो नदी दिख. ओके, तो रिवर के पास हम पहुँचे और यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स है वो है कायकिंग, जो कि मैं पहली बार लाइफ में करने गई और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी. मतलब आई लव वाटर स्पोर्ट्स और ये मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही थी, तो मेरी एक्साइटमेंट तो गगन छू रही थी. लेकिन मज़े की बात ये थी, जब मैं एक्चुअल में कायकिंग करने गई तो मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ. आप देखना चाहेंगे क्या हुआ. वेल मेरे वीडियोस देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा. सबसे पहले तो मैं जाके टकराई इस पेड़ से, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था बोट को चलाया कैसे जाता है. और इस दौरान मैंने मेरी बहन को बहुत परेशान किया. शी वाज लाइक, काश मैं अकेले ही चली जाती. क्या पूरे नहीं है जाना तो जाता तुम्ही. अरे एक आदमी चलाइए नको, भीती वाटते तो नको उतर.
सब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और मेरी फट गई थी, ट्रस्ट मी. मतलब पता नहीं, आई वाज एक्साइटेड बट देन कितनी डर गई मैं, कितनी, शायद मैंने इतनी बड़ी रिवर कभी देखी नहीं लाइफ में या क्या था, आई डोंट नो. आई वाज स्केर्ड एज एफ, बट आई डोंट नो व्हाट टू से. मैं वापस से उस पेड़ से जाके टकराई. इकडे इकडे गे स्विमिंग नको, आता सकाळी गेले ना, आता नको स्विमिंग करू. वहाँ पे तो सबको मस्त एंटरटेनमेंट मिल रही थी और मैं बहुत डर गई थी और सब मुझ पे हंस रहे थे. एंड आई कैन हियर इन द ऑडियो पापा फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भी हंस रहे थे मुझ पे. और बाद में होटल पहुँचने के बाद भी मुझे बहुत छेड़ा गया क्योंकि मैं कभी डरती नहीं हूँ, बट या इस बार मैं डरी. और ये फाइनली एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ब्रीथ करके इंजॉय किया एट द लास्ट राइड. फाइनली हम घर आ गए, आई मीन होटल आ गए एंड देन फ्रेश हुए एंड रात के एंटरटेनमेंट के लिए हम बैंक्वेट हॉल पहुँचे. And the last day at Lakewood Resort, the Pola was so memorable. Thanks to the entire staff at Lakewood Resort for taking good care of us, for serving us a delicious food, for entertaining us. And you can see log kitne khush hai, like my dad, my mom, my sister, we all are dancing our heart out. And बहुत दिनों बाद हम family trip पे गए थे तो खुशी यकीनन झलक रही है हम सबके चेहरे पे. और आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू विजिट लेकवुड रिसॉर्ट एट द पोला.